बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं शकरगंदी के खेत में और यहाँ से लेके जाएंगे शकरगंदी और जाकर उसको उबालेंगे और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपसे भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए आपको शकरगंदी का खेत भी दिखाते हैं और चलिए शकरगंदी जो है वो यहाँ से लेते हैं। वो एक और ये देखो, ये बहुत बड़ी शक्करकंदी है। ये टोकरे में जा रही है, ये भी टोकरे में गई। कमाल हो गया जनाब आज तो। लो जी, वाह जी वाह, देखो जी शकरगंदी जी माशाल्लाह सोहनी है। अच्छा बीज है ये, लेकिन अब लो जी माशाल्लाह काफी मेहनत तो बाद एक बड़ी भी सानू लग गई है। तो चलिए शकरगंदियां उबालते हैं। चूल्हे में आग हमने जला ली है और हंडिया रख देंगे चूल्हे के ऊपर। पानी हमने हंडिया में डाल लिया, तो अभी इसमें हम शकरगंदियां हम डाल देंगे। ये बड़ी ही मज़ेदार होती है खाने में, इस साइज की सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। एक घंटा हो चुका है और शकरगंदी हमारी जो है ये उबल चुकी है। अब उतारेंगे नीचे। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, ये ठंडे पानी में साथ ही इसको रख देते हैं। ये जनाब ठंडे पानी में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी उबली हुई है ये शकरगंदी। चाट मसाला, चाट मसाले के बाद नमक और जनाब लेमन का रस। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है शकरगंदी हमारी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा हमने चाट मसाला ऊपर और थोड़ा सा नमक और ऊपर हमने एक लेमन जो है वो निचोड़ा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।